अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कुकिंग विद आपा चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन वाली रोटी। बेसन की रोटी बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है, आलू लेंगे एक अदद, उन्हें स्लाइस में काट लेंगे, हाफ चेयर प्याज लेंगे, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे और 1 अदद टमाटर लेंगे। पाँच से छः चम्मच हमने बेसन लिया है, उसमें खुश ज़ीरा, खुश धनिया, नमक, सुर्ख मिर्च और 1 अंडा डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म करके उसमें आलू जो है वो फ्राई कर लेंगे। सॉस पैन में 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें 2 अदद हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, 1 टमाटर स्लाइस करके डाल देंगे, फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और इस पे बेसन डाल देंगे। इस पर कवर लगा देंगे और इसे एक साइड से पकने देंगे। अब इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी पकने देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है आपने। माशाल्लाह, हमारी बेसन की रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखें कितनी कोई मज़ेदार रोटी तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।